कौशाम्बी जनपद चायल क्षेत्र में कोइलहा गांव में गोलू बाबू के अंधविश्वास में चढ़ावा के नाम पर लोग लूट रहे हैं। चायल सराय अखिल कोतवाली के बरई गांव में महज 6 वर्षीय बालक गोलू उर्फ गोलू बाबा के घर पर 2 महीने पूर्व लोगों का सैलाब उमड़ता था। बालक के छूने मात्र से बड़ी बड़ी बीमारी ठीक होने की अफवाह ने गोलू बाबा को रातों रात ख्याति दिला दी थी। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गोलू बाबा का दरबार बंद करवा दिया था, मगर अब 2 महीने बाद एक बार फिर गोलू बाबा चर्चाओं में आ गए हैं। इलाके के एक राजनीतिक व्यक्ति ने मासूम गोलू के नाम से ट्रस्ट कर कमाई शुरू कर दी है। गोलू बाबा सामाजिक सेवा ट्रस्ट में जाना है तो सोच समझ कर जाएं। ट्रस्ट में बैठे कुछ लोग गोलू बाबा के नाम पर खुली लूट कर आस्था पर चोट पहुंचाने का काम करते हैं। जहां बालक गोलू के छूने मात्र से बीमारी ठीक करने का दावा आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। पूरा मुफ्ती के कोइलहा गांव में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त चाइल्ड ब्लॉक प्रमुख सोनू कुमार ने गोलू बाबा सामाजिक ट्रस्ट बनाकर दान के नाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को खुलेआम लूट रहे हैं। रोजाना हजारों लोग यहां गोलू बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। दान के लिए गोलू बाबा के बगल में भारी भरकम बक्सा भी रखा गया। दान न देने की स्थिति में वही मौजूद सेवादार लोगों से बदसलूकी भी करते हैं। इतना ही नहीं, जल्दी दर्शन कराने के लिए सेवादार 100 से 150 रुपए की वसूली भी करते हैं। बीमारियों से ग्रसित और समस्याओं से जूझ रहे लोगों से जिस तरह लूट का खाका तैयार किया गया, वो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मासूम बच्चे के पढ़ने लिखने की उम्र में उसे देवीय शक्ति का चोला उड़ाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। देवीय शक्ति और आस्था से खिलवाड़ कर हर रोज लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। बाबा के दर्शन करने वाले लोगों की माने तो यहां मोबाइल से फोटो खींचना प्रतिबंधित किया गया। ट्रस्ट के बाहर ही असलहे से लेस दर्जनों सेवादार मोबाइल और कैमरा रखवा लेते हैं। मामले की पूरी जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन अनजान बना हुआ है। बता सद जीता बाबा एक ट्रक बता सले है ए बाबू देखा कैसे साल विचार पानी।